बात करेंगे माफिया मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की। तो देखिए, जिसका टाइम अब ओवर हो चुका है, यानी कि अब्बास अंसारी और लखनऊ पुलिस के बीच चल रहे लुक्का छिपी का खेल आज फाइनल इसका मैच है। आज ही अब्बास अंसारी के पास एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर करने का आखिरी दिन है, क्योंकि पिछले 3 हफ्तों से लखनऊ पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी अब्बास अंसारी हत्थे नहीं चढ़ पाया और न ही कोर्ट में उसने सरेंडर किया है। और आज सरेंडर के अंतिम दिन भी पुलिस ने कोर्ट के आसपास पुख्ता इंतजाम किए हैं। अब देखना यह होगा कि अगर अब्बास अंसारी गिरफ्तार नहीं होता है तो अदालत क्या करेगी, क्या कोर्ट फिर से पुलिस को और वक्त देगी या फिर अब्बास अंसारी को भगोड़ा घोषित कर कुर्की की कार्रवाई को हरी झंडी दी जाएगी। तो पिछले 3 हफ्तों से लगातार लखनऊ पुलिस ढूंढ रही है, टीम का गठन किया गया, लगातार जगह जगह दबिश दी गई, कई जिलों में कई राज्यों में दबिश दी गई, लेकिन अब तक अब्बास अंसारी का पता नहीं चल पाया। बिल्कुल, और सीधा रुक करते हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का। शैलेश, ये बताइए कि पुलिस ने तो बहुत कोशिश की, पूरे राज्यों में, एक नहीं कई राज्यों में दबिश दी गई, एक साथ टीमें गठित की गई, आज अगर सरेंडर की उम्मीद ज्यादा दिखाई दे रही है जो पर्दे के पीछे से इनपुट मिल रहा है, या फिर आगे की कार्रवाई होगी? देखिए, निश्चित रूप से पहले तो ये बता दें कि जिस तरह से 3 हफ्ता एक लंबा वक्त होता है और लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की जो टीमें हैं वो अब्बास अंसारी को नहीं ढूंढ पाई हैं, तो इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। जो दूसरे दल हैं, राजनीतिक दल हैं, वो पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। जिस पार्टी से विधायक है अब्बास अंसारी, यानी सुभाषपा, उसके अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बात बयान दिया एपी गंगा पर ही और कहा कि पुलिस उन जगहों पर ढूंढ रही है जहां पर उसने खुद तालाबंदी की हुई है और नोटिस चस्पा किए हुए, तो ऐसी जगह पर ढूंढ रही है। उन्होंने भी इस भूमिका पर सवाल उठाए थे पुलिस की, और कहीं ना कहीं देखिए 3 हफ्ते में अगर पुलिस नहीं ढूंढ पाई, इतनी टीमों का गठन किया गया, उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में टीमों को भेजा गया, लेकिन अब्बास अंसारी का कोई सुराग नहीं मिल पाया। अंतिम तिथि आ गई, पहले भी समय बढ़ाने के लिए अपील की गई थी। अब देखना ये होगा कि आज पुलिस की तरफ से क्या कहा जाता है कोर्ट में, और कोर्ट का उसके बाद क्या रुख होता है, क्या भगोड़ा साबित किया जाएगा, कुर्की के आदेश किए जाएंगे अब्बास अंसारी की जो संपत्तियां है उसको लेकर, या आगे कोर्ट किस तरह का फैसला देता है और कोर्ट जो है वो पुलिस की भूमिका को लेकर क्या कहता है, ये सारी चीज़ें जो है इस पर सबकी निगाह है। और चर्चा इस बात की भी है कि क्या अब्बास अंसारी भी सरेंडर करेंगे एमपी एमएलए कोर्ट में, कहीं ऐसा तो नहीं अंदर अंदर तैयारी कर ली हो। लेकिन देखना होगा कि अगर सरेंडर करने की नौबत आती है तो निश्चित रूप से पहले से तैयारी की गई होगी उसके लिए। तो इन सभी चीज़ों पर ना सिर्फ उनके जो राजनीतिक गलियारे की बात करें वहाँ सबकी निगाहें, बल्कि पुलिस की भी निगाहें टिकी हुई हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस को चकमा देकर वहाँ पर अगर वो सरेंडर करने पहुँचता है किसी भी तरह से, तो ऐसे में पुलिस के लिए भी एक बड़ी नाकामी साबित हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों पर सबकी निगाहें हैं और कोर्ट के फैसले का सबको इंतज़ार है कि कोर्ट का क्या रुख होता है इस पूरे मामले पर। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि कोर्ट का क्या रुख होता है, आगे क्या चीजें देखने को मिलेंगी, नजर बनी रहेगी। शैलेश, फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।